दोस्तों नमस्कार। मैं आज नगरा के ताड़ीबाड़ा गांव रोड से जा रहा था, तो जैसे हमको चूँकि खेती बाड़ी का समय चल रहा है तो मैं देखा कि एक सरकारी ट्यूबवेल नज़र आ रहा है और उसकी स्थिति जो है बहुत जर्जर है। और आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ जानवर भी रह रहे हैं इस सरकारी ट्यूबवेल में और किस तरीके से संचालित होता है। और मैं बोर्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पे ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना सिंचाई विभाग ताड़ीबाड़ा गांव नलकूप 2, ये इस पे लिखा हुआ है। और आइए मैं आगे दिखा रहा हूँ इसमें किस तरीके से लोग रह रहे हैं। इसका मैं भवन का आकार दिखा रहा हूँ सरकारी ट्यूबवेल का। और आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से अतिक्रमण है और किस तरीके से इसमें जो है गाय जानवर आदमी रह रहे हैं इसमें। और इसमें गाय खा रही है। गाय किसकी है बाबू? ये गाय किसकी है? इसमें मैं इधर से दिखाने की इसकी कोशिश कर रहा हूँ और किस तरीके से यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और पूर्ण रूप से अब किसके कब्जे में है और कब्जा अवैध लग रहा है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? इधर आओ। क्या नाम है? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है? ये सरकारी ट्यूबवेल है, पानी वानी इसमें चलता है? हाँ। सिंचाई उचाई होती है? कब चलता है? जब खेत का लगा लेंगे तब। कब? अभी अभी इधर कितने दिन चला है? कई दिन हो गया चले हुए पानी इधर? तो इसमें तुम लोग कैसे रहते हो? कहाँ से आए हो तुम लोग? इसमें कैसे रहते हो? जैसा ये बच्चा बता नहीं पा रहा है। और यहीं घर है बाबू? नहीं। कहाँ घर है? ये सरकारी ट्यूबवेल है, चलता है, सिंचाई उचाई होती है इससे किसान की? हम नहीं जानते। नहीं जानते हो? इसी गांव घर है ना? हमारे खेत नहीं खेजा। अरे मतलब चलता उलता होगा ना? इधर घास लेके आ रहे हो तो पानी वानी कभी निकलता है कि नहीं? इधर इसे ट्यूबवेल से निकलता है। सिंचाई उचाई होता होगा किसान उसान का समय समय पे जब चलता होगा तो जरूरत होगा है ना? इसमें जो है लकड़ी भी भरा हुआ है देखने में और लोग रहते भी हैं इसमें, कबाड़ जैसा है और गाय हुए जानवर वानवर रहते हैं इसमें इस सरकारी ट्यूबवेल में। आइए मैं और इसकी जानकारी ले रहा हूँ और किस तरीके से कौन है इसको अवैध कब्जा किया है। और कोशिश कर रहा हूँ यहाँ इसमें जो है गाय भी खा रही है। और इस तरीके से सरकारी भवनों का जो है अतिक्रमण और दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर सरकार और संबंधित अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से सरकारी बिल्डिंगों को जो है अवैध कब्जे करके और उसमें जो है रहा जा रहा है। ये किसका है? ये रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। क्या नाम है आपका? रंजू। रंजू नाम है। घर कहाँ है आपका? यही कहाँ है? महुआ गांव में। महुआ गांव में। तो इसमें आप लोग कैसे रहते हैं? ये तो कहिए हम लोग यहीं में रहेंगे। नहीं नहीं, कब से रहते हैं? कितने दिन से इसमें सरकारी जो है टेबल के भवन में कितने दिन से आप लोग रहते हैं? कितना दिन हो गया लगभग? लगभग एक साल होते एक साल नहीं एक साल से कम कम होते
आप भी इसी घर के हैं? ना ना, ये दूर है। तो आपके पति क्या करते हैं? वो कहाँ पंचर की दुकान है। बुलाइए उनको। क्या नाम है आपका? मंगल। क्या नाम है? मंगल। मंगल हाँ। इसमें आप कब से रह रहे हैं, कितने दिन से? ये 2-3 साल से रह रहे हैं। वो भी गाय बांधते हैं, बाकी तो रखते नहीं कुछ। यहाँ जो है ट्यूबवेल चलता है कि नहीं चलता है? पानी निकलता है कि नहीं? सिंचाई होती है कि नहीं होती है? होता है सिंचाई होती है। कब कब चलता है? जब काम लगता है। चलाता कौन है, कोई ऑपरेटर है कि नहीं? यहाँ ऑपरेटर है। ऑपरेटर का क्या नाम है? नाम तो नहीं बता सकते। ऑपरेटर का नाम पता नहीं है? आते हैं? कब कब आते हैं? ये जब सिंचाई उचाई होता है तो आते हैं। तो आप इसमें गाय रखे हैं, इसको जो है कब्जा किए, किस तरीके से, कौन आपको रखवाया इसमें? कब्जा हम लोग नहीं किए हैं, वैसे रखे हैं, जब मर्जी हम हटा होता है। नहीं नहीं, तो सरकारी ये बिल्डिंग है, सरकारी भवन है, तो आप लोगों ने है जो हाँ बताइए। ये जो है ना कुछ सारा गंद था, बहुत गंद था। हम सफाई के एक साहब आए, मोटा सा, तो वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, रहती रहना, साफ सुथरा रखना। तो अभी आप लोग इसमें रहते भी है, मान लीजिए अगल बगल यहीं रह रहे हैं, चाहे इसमें गाय भी आपकी खा रही है, तो आपको ऑपरेटर का नाम भी पता नहीं है? ना जी, हम तो नहीं। कभी आते हैं तो आप लोगों से बातचीत नहीं करते हैं? ऑपरेटर नहीं, टेबल की चाबी कौन रखता है? वही रखते हैं। वही रखते हैं। आपको कोई रखवाया नहीं, अपने आप मर्जी से हैं? नहीं, मर्जी से नहीं है। हाँ, कोई तो कहा होगा ना कि इसमें रहिए। हाँ, कौन कहा है? आए थे जे साहब लोग ना, तो कहते सफाई वफाई करके रहना इसमें। कौन जे? आजमगढ़ का। आजमगढ़ से जे आए थे तो आपको बताया कि आप इसमें रहिएगा? नहीं, देखे थे ना इसे रहते हुए, साफ सुथरा करते हो, तो कहते कोई बात नहीं, रहिए। अच्छा, आपको रहने के लिए कहे थे? हाँ, मैंने जैसे देखे थे, कह रहे कि इसमें कौन रहता है, हम रहते हैं, हटा उठा लेंगे, तो कह रहे थे कोई बात नहीं, रहिए। आइए इधर, आप जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर जो है इनका ये बता रहे हैं कि जेई साहब आए थे या उच्च अधिकारी जो भी आए होंगे, तो इनको रहने के लिए यहाँ कहे थे, और इनका जो है मैं देख रहा हूँ इधर की चारों तरफ जो है कब्जा है। और कितना दिन पहले आए थे? बहुत दिन आए थे साहब। जो अब कोई आता होता नहीं है अधिकारी? नहीं, अब आते हैं मगर उसे चले जाते हैं लोग। हम लोग कब्जा नहीं करना है। कब्जा क्या करना है हम लोग को? हम तो इधर दुकान उकान करके रहते हैं, इधर ही हम लोग रहते हैं। हम तो ये कहते हैं सरकारी वाला चीज है भाई, जब ले हूँ तब ले, जब कोई बात होगा तो हम चले हट जाएंगे। और क्या हमको? आप लोगों का मकान कहाँ पड़ेगा, घर कहाँ पड़ा? ताड़ी बड़ा गाँव में, इसी गाँव में। तो आप लोगों का गाँव पे घर और नहीं है? मगर वो झगड़ा चल रहा है वहाँ, फंस फूस गया है, तो इसलिए। आप काम क्या करते हैं? टायर वायर की दुकान है, पंचर की दुकान है। ये आपकी दुकान है? तो इसी में रहते हैं, और पीछे वो सब है मशीन वशीन कौन गड़वाया? वहाँ मशीन आप ही गड़वाए हैं? तो जैसे दोस्तों इनकी ये बगल की में पंचर की दुकान है, और यहाँ ये पंचर वंचर भी बनाते हैं, और इसके बाद जो पीछे है जो अपना बचा हुआ जमीन है, चाहे जो भी है अपना, ये सब्जी वब्जी बोए हैं उसमें रहते हैं। और अधिकारियों को संज्ञान में इसको लेना चाहिए, और किस तरीके से आखिर अवैध कब्जा हो गया है, और अधिकारी के मिली भगत से ही हुआ होगा। और ये 2-3 साल से जैसे बता रहे हैं कि मेरा कब्जा यहाँ 3 साल से मैं रह रहा हूँ, और मैं आपको स्थिति इसकी दिखा रहा हूँ करीब से, और मैं इधर इसमें दिखा रहा हूँ कि लग रहा है सिंचाई उचाई का भी काम चल रहा है इस समय, तो इसमें टंकी में देखा जाए कि पानी उपलब्ध है कि नहीं है, और कब का चला हुआ है, चूँकि टंकी सूखी हुई है और इसमें पानी वानी का पता नहीं है। और हमको लग रहा है कि जो है कई दिनों से चला हुआ है, मीटर भी लगा हुआ है यहाँ, और इधर बगल में ट्रांसफार्मर भी है। तो ये है सरकारी भवनों का, सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उसका हाल इस प्रकार से है कि लोग अवैध कब्जा करके उसको रखे हुए हैं, और कभी किसी आइए मेन रोड जो है नगरा और भीमपुरा मार्ग पे है, और कभी किसी अधिकारी की नज़र इस पे नहीं जाती है। आखिर क्यों नहीं जाती है? कहीं ना कहीं अधिकारी में भी ज़रूर कमी होगी, इसलिए नज़र नहीं जाती है रोड पे। मैं ऐसे ही निकल रहा था तो देखा, तो मैं सोचा कि आइए देखा जाए कि आखिर इसकी स्थिति क्या है, किस तरीके से यहाँ जो है लोग रह रहे हैं इसमें। और मैं और दिखाना चाहता हूँ आगे, ये यहाँ देखने को मिल रहा है कि बहुत गंदगी है, और चारों तरफ से अतिक्रमण है। यहाँ कुछ सब्जी बोया है, मशीन
बगल में ही लगाई गई है। और योगी जी, ये है आपके अधिकारियों का जो है सिस्टम, और इस तरीके से आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, और अवैध कब्जा होने के बावजूद भी किसी अधिकारी की नज़र नहीं जा रही है। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अधिकारियों को देखें और समझाएं कि किस तरीके से सिस्टम, सरकारी सिस्टम को चलाना चाहिए। तनख्वाह तो मिल रही होगी, अधिकारी जो होगा, ऑपरेटर होगा, टेबल ऑपरेटर होगा, उसको अपने घर बैठा रहे तनख्वाह मिलती होगी। और यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि जैसे जिसकी सिंचाई होनी होती है वो आता है और ट्यूबवेल का जो है चाबी खोलता है और चलाता है, चला के चला जाता है। तो ये है सरकारी नगरा ब्लॉक के, बलिया जिले के नगरा ब्लॉक के ताड़ीबड़ा गांव के सरकारी ट्यूबवेल की स्थिति, जो आपको मैं वीडियो में पूर्ण रूप से और हर तरीके से मैं दिखाया हूँ। और अब एक बच्चा है, वो झाड़ रहा है, सफाई भी कर रहा है। यही स्थिति है नगरा ब्लॉक के ताड़ीबड़ा गांव के सरकारी ट्यूबवेल की, और स्थिति आप वीडियो में देख चुके हैं। नमस्कार।